महिला आरक्षण बिल, जिस महिला आरक्षण बिल को मोदी जी ने आज महिलाओं के अधिकारों वाला बिल बताकर लोकसभा में पेश किया है, दरअसल वो महिलाओं के अधिकारों को फायदा पहुंचाने वाला बिल नहीं है। वो बीजेपी के सांसदों को और हारने वाले सांसदों को खासकर बचाने का बिल है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी मौजूद हैं, महिलाओं के जरिए वो सीटें उन्हीं सांसदों के परिवार में रहेंगी। कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 40% सांसद ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है। अब महिला अधिकारों की बात करके, महिला आरक्षण की बात करके महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लोकसभा में भेजेंगे। होगा क्या? होगा ये कि जो सांसद नहीं जीतने वाले हैं, जो हारने वाले सांसद हैं, जिनकी रिपोर्ट मौजूद है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और प्रधानमंत्री की टेबल पर, उन सभी सांसदों की परिवारों को, चाहे उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहू को, उनके और परिवार की औरतों को टिकट दिया जाएगा। और महिलाओं से बताया जाएगा देश की कि देखिए हम महिला पहुंचा रहे हैं। और ओरिजिनलिटी यह है कि हारे हुए सांसदों को जिताने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, उनके परिवार की औरत जिता दो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं, मैं तमाम विपक्ष से कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर बहस कीजिए कि मोदी जी को इस बात पर राजी किया जाए, सरकार इस बात पर राजी हो, उसमें फेरबदल करे, कानून में अमेंडमेंट लेकर आए कि जो सांसद रह चुका है, जो सिटिंग सांसद है, उसके परिवार की किसी भी औरत को, महिला को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप यकीन मानिएगा भाई, आपको टिकट देना है आप दीजिए, लेकिन किसी बाहर की महिला को दीजिए, पार्टी की कार्यकर्ता को दीजिए, लेकिन उसका रिश्ता सांसद की घर से नहीं होना चाहिए। जिसको टिकट दिया जाए वो सांसद की ना पत्नी हो, ना बेटी हो, ना बहू हो, दीजिए टिकट। तो आप यकीन मानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में बंटवारा हो जाएगा। और अगर मोदी जी यह वाला बिल लेकर आ गए जो मैं पेश कर रहा हूं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो आप यकीन मानिएगा बीजेपी के सांसद बगावत कर देंगे। बीजेपी के इस महिला आरक्षण बिल के पीछे छुपी हुई साजिश को समझिए। ये किसी भी तरह से महिलाओं के हित का बिल नहीं है, दलितों के, आदिवासियों की और बैकवर्ड महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हित का बिल नहीं है। ये महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों का बिल नहीं है। ये हारे हुए सांसदों को वापस से जिताने का और उन्हीं के परिवार में सीट को वापस देने का ये बिल है। इस बिल की साजिश को समझिए। मैं तमाम विपक्ष से कहता हूं कि इस बात पर गौर कीजिए और इस पर विरोध कीजिए कि कोई भी सिटिंग सांसद के परिवार की औरत को किसी भी तरह से टिकट ना दिया जाए, ना विपक्ष और ना सरकार। बात खत्म हो गई।